1330 जैपनीज यन की। ये सभी ट्यूलिप हैं, अलग अलग कलर के, येलो, वाइट, रेडिश, पर्पल, पिंक, पर्पल। अभी यहाँ पे थोड़े से टूलिप बचे हैं क्योंकि अभी सीज़न जो मेन चल रहा है वो नीमोफिला का चल रहा है, जो यहाँ पे बेबी ब्लू आइज करके पर्पल फ्लावर्स होते हैं, वो दिखाऊंगा आपको। वहीं पर फुल ब्लूम है आज। इस पूरे पार्क में फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं।
ये निमोफिला फ्लावर है, इसको बेबी ब्लू आई भी बोलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पूरे पहाड़ पे। यहाँ पे जो ये फ्लावर्स है इनका पीक है, ये इसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आज यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू है, बेबी ब्लू कलर से भरा हुआ है, इन फ्लावर से भरा हुआ है। साइड का जापान का बॉर्डर है, इसके उधर यूएस। इसका एक और टॉप है, वहाँ से शायद और भी अच्छा व्यू आएगा। ご来園のお客様に最後のお知らせをいたします。田中里奈さん、最後やべこいポートजंगल टाइप है, फॉरेस्ट एरिया।
कैसा लगा ये पार्क? ये अनफॉरगेटेबल मेमोरीज यहाँ से लेके जा रहे हैं, और कोई भी अगर टोक्यो रीजन के नज़दीक रह रहा है तो आई थिंक ये मस्ट विजिट प्लेस है। यस, वेरी ब्यूटीफुल। हिताशी पार्क बहुत बड़ा है, पूरा तो एक्सप्लोर करेंगे। उसके पास में एक थीम पार्क भी है, वहाँ पे पूरा दिन चाहिए होता है उसके लिए। तो आई थिंक जब नेक्स्ट टाइम आएंगे स्पेशली उस पार्क के लिए आएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। आज केवल इसके लिए आए थे क्योंकि आज ये इसका जो बेबी ब्लू आइज फ्लावर्स हैं इसका पीक था आज, तो काफ़ी अच्छा लगा। सो एंजॉय अ लॉट। रिकमेंड करूँगा जो भी आसपास रहता है मस्ट विजिट दिस प्लेस। ये बीच में छोटी सी आर्टिफिशियल लेक है। हमें जाना है वहां पे। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। यहां पे लंच करेंगे हम। यहाँ पे आसपास देखा था वेजिटेरियन मिला नहीं, तो इसमें एक काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा मिलता है वेजिटेरियन, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा खाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ये है पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, ये ग्रेप्स स्मूदी, ये होकाइडो क्रीम,